ओके, तो देखो यार, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हमारा मूवी को देखने का नजरिया भी काफी हद तक चेंज होता जा रहा है। यानी कि हम पहले कैसे हीरो को ही मतलब कि मूवी में एज अ मेन मानकर चलते थे और वो जो कर रहा है वही सही होता था, लेकिन अब जैसे जैसे मूवी का जॉनर चेंज होते जा रहा है, हम विलन के ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू हीरोज। अब फॉर एग्जाम्पल की ले तो सुसाइडल स्क्वाड में जब स्टारो का डेथ सीन आता है, जब स्टारो मरता है तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है कि आई वॉज हैप्पी स्टारिंग एट द स्टार्स, तो उसमें आप में से कितनों का दिल पिघला होगा। इसके पीछे भी दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आप काफी ज्यादा इमोशनल हो, किसी भी कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा जल्दी इमोशनल कनेक्ट हो जाते हो, और दूसरा ये कि उस कैरेक्टर को दिखाए उस तरीके से गया हो। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें इसी स्टारों का, तो ये सिर्फ अंतरिक्ष में तारों को निहार रहा था, लेकिन इंसानों का जो कीड़ा है किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए उसका पूरा सत्यानाश कर देना, ये सब बिगाड़ देता है। और स्टारों का जो लास्ट वर्ड होता है आई वॉज हैप्पी स्टेयरिंग एट द स्टार्स, ये उसके कारण इसने रौद्र रूप लेने का कारण को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है।